आज बम्बई में हर आदमी बोलता बहुत बिजी है बहुत बिजी है, स्क्रीन का पास दो मेकअप करके यहाँ आ गए। भाभी आप तो बैठो, दो पास में पांच आदमी घुसेड़े बाप। एक तो भैया अवार्ड का चक्कर है अलग है एकदम, आधे लोग देखते हैं बाई तरफ वो स्क्रीन में, आधे लोग देखते हैं इधर, हम लोग पागल हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। अजब दुनिया है, वीआईपी लोग भी हंस रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। अच्छा इतने प्यारे प्यारे चेहरे सब यहाँ जमा किया है, हीरो हांडा और स्क्रीन सबने मिलके, सब खूबसूरत चेहरे, और सबसे खास बात ये किसी की शक्ल किसी से मिल नहीं रही, एकदम अलग अलग। सबसे पहले जो लोग अपनी अपनी गाड़ी से आए हैं उनका नमस्कार, जो लोग दूसरे गाड़ी में घुस के आए हैं उनको विशेष नमस्कार, क्योंकि वो बिल्कुल सम्मान के हकदार हैं, क्योंकि जब तक गाड़ी वाला घर नहीं जाएगा बीच में से जा नहीं सकते। इस बार खर्चा बहुत किया है। ओफो भाभी खुल के नहीं हंस रही है। अच्छा डायरेक्ट ब्यूटी पार्लर से आई है, ब्यूटी पार्लर वाली ने बोला होगा हमने अपनी तरफ से डेकोरेट कर दिया है, ज्यादा हंसी तो हमारी गारंटी ना ही। अरे कब से हम अकेले बोल रहे हैं, एकदम अकेले पड़ गए हैं, हमें कोई दो जिससे हमारा दिल लगा रहे, कोई ग्लैमर जिसमें भरा हो, ऐसी कोई हो मतलब ऐसी कोई, अरे कोई पढ़ी लिखी बुलाओ तो थोड़ा बैलेंस भी होता रहे। अरे आप, आपको, अरे आप वो हैं, आप वही तो हैं जो पहले थी। मैं एंथनी। अरे अच्छा करती हैं आप। अरे आप, मैं यहाँ में आई हूँ, एंथनी कौन है, मैं आई हूँ। आप यहाँ में आई हैं, एंथनी कौन में आई हैं? हमने ध्यान नहीं दिया, हम अभी भी ऑटो रिक्शा में आए हैं। क्या? अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन आप कौन है महाशय? अरे हमें नहीं पहचाना, सीएम साहब भी आ गए। सर मैं यहाँ। अरे लेकिन आप कौन है? ऐसे बोले जबरदस्ती। अच्छा यही तो मेन है। अच्छा। चुनाव भी है। अच्छा अब फरमाइए आप हैं कौन? अरे भी हमें नहीं पहचाना जी, नहीं। अरे हम वही तो हैं। अरे हमारी वजह से जितने बच्चन हैं, जितने खान्स हैं, जितने खन्नास हैं, जितने कुमार हैं, हमारी वजह से सुपरस्टार बने हैं। मतलब आप प्रोड्यूसर हैं? प्रोड्यूसर नहीं है, हम कलाकार हैं। ये जितनी बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं जिनको आप देख देख के बैठी हो, वो सब शुरू शुरू में हमें ऑफर हुई थी। आपको? हमें ऑफर हुई थी, मेन लीड, क्या कहते हैं लीड, ये तार वाला नहीं, मेन मतलब मेन लीड हमें मिली थी, बस हम नहीं कर पाए, कोई परेशानी थी नहीं कर पाए, घर की कोई अड़चन थी, सब फिल्में। लेकिन जरा अपनी कहानी बताइए। अरे आप वो देखें, एक एक फिल्म में जिसमें गाना है यम्मा यम्मा यम्मा, हाँ शान में शान का रोल हमें मिला रहा, वो शकाल का रहा, ये था गंजा बनना है, टकला बनना है, हाँ। और कुर्सी में ऐसा बैठना है, आंख छोटी करके बोलना है, तो तुम ये जानना चाहती हो, ऐसा कुछ डायलॉग रहा, गंजा बनकर करना रहा। तो जैसे ही पिक्चर हमें रमेश सिप्पी दिए, रमेश सिप्पी छोटे से हैं, खार में रहते हैं, जैसे शान के लिए हमें लिए, हम खुशी में पीसीओ फोन लगा के जौनपुर अपनी अम्मा को बता दिए, हमका अम्मा हमें फिल्म मिली है, साकाल का रोल है, तो बोली क्या कर रहे हो, हमका गंजा बनना है, टकला बन के बोलना है, बोले सत्यानाश जाए, अभी हम लोग जिंदा है तो हमारा जीते जी श्राद्ध कर रहा है, बस वो फिल्म छोड़ दिया। तो बाद में पिक्चर आई, वो व्हाट अ ट्रेजेडी, पिक्चर आई, इतनी हिट बनी, और शाकाल का जो किरदार था ना, किसने किया शाकाल का? आई वाज सो स्कैर्ड ऑफ हिम, कुलभूषण खार बंदा, कुलभूषण खार बांध रहा, हाँ हाँ जी, नहीं कुलभूषण, वो दादर तक गए थे बाद में। अरे वो तो छोड़ो, आप जाने दो, तो छोड़ो, हाँ, हम ये कंक पिक्चर नहीं, कंक, हाँ करण जौहर का, कभी अलविदा ना कहना, हाँ करण जौहर जो कॉफी पिलाते कोने में ले जाके, हाँ, हाँ। कंक का रोल पहले हमें मिला रहा, वो उसमें कोई है ना, वो सेक्सी सैम, हाँ? सेक्सी सैम वाला रोल के लिए हमें बुला रहे हैं, करण जौहर, हाँ पतले से हैं, हल्की दाढ़ी रखते हैं, तो वो हमें बुला रहे हैं, पूरा ऐसा हमारा रोल यही रहा कि मतलब सब नई नई छोकरी को घुमाना है, ये हमारा रोल रहा। तो चलती शूटिंग में हमारी अम्मा आ गई बुआ के साथ, तो फिर कहने लगे ये क्या कर रहा है सत्यानाशी, अरे आपको तो उनको समझाना था ये किरदार के लिए है, अरे कहे नहीं, गांव के प्रधान पूछेंगे, ये सब तो लड़का बम्बई में करने गया, तो छोड़ दिया वो रोल। फिर वो रोल कौन किया सेक्सी सैम का? वो वैसे अमित जी ने किया, अमिताभ बच्चन हमार छोड़ा वो रोल किए, हाँ। चलो वो भी हमारे गांव के हैं, वो भी इलाहाबाद के, हम भी इलाहाबाद के, हमें इस बात की खुशी है जो रोल हम छोड़ा
वो एक अच्छे कलाकार को मिला और जो पिक्चर हमारे गांव के गांव में रही। अमित जी आपके गांव से है? हाँ, इलाहाबाद के ना, वो इलाहाबाद वाले चल रहे हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है। बाद में हमें वो पिक्चर भी तुम किया है। कौन सा? अरे जिसमें लंगड़ा त्यागी के लिए हमें बुलाए रहे हैं। मतलब विशाल भारद्वाज? हाँ, विशाल भारद्वाज हमें बुलाए। हाँ, कहे लंगड़ा त्यागी बनना, हमका ठीक है। तो शूटिंग में आए और कैमरा वैमरा लगाया, कपड़ा वपड़ा पहने हम, और उसके बाद हम पहले जैसे डायलॉग बोले हमका, हे साला तेरी माँ की। क्या हुआ? मतलब अरे जैसे गाली वाली पिक्चर है। हाँ, लेकिन इधर नहीं। अरे तो जैसे गाली बके तो दादाजी बैठे रहे, कहें गाली क्यों बक रहा है? तो हमका कहानी में स्क्रिप्ट में है। तो बोले कि नहीं गाली हटाओ। वो विशाल भारद्वाज से बोले कि गाली हटा के फिल्म बनाओ। तो विशाल बोले नहीं, हम गाली के लिए तो फिल्म बना रहे हैं। What a tragedy. इस सब होने के बाद फिल्म हम वहीं छोड़े कि वहीं पीछे लड़का खड़ा रहा जिनकी अम्मा भी हीरोइन है, उनकी बहन भी हीरोइन है। मतलब सैफ अली खान? अच्छा, सैफ अली नाम है। अच्छा, तो वो किए कहें कि भैया आप ये फिल्म छोड़ रहे थे, फिल्म हम कर लें। हम कहा चलो भाई, फिल्म तो नसीब का बात है, भी छोड़ दिया। और तो और हमें आपकी फिल्म इंडस्ट्री में कोई जेपी दत्ता है? हाँ हाँ। तो एक फिल्टर कोई बनाए जो पहले रेखा किए रही, वही को ऐश्वर्या की। उमराव जान? हाँ, उमराव जान के लिए रोल हमारा रहा, हम करने वाले रहे उमराव जान। तो मतलब पहले आप अमित जी के रोल्स छोड़ते थे, मतलब आपको उनके रोल्स मिलते थे, और अब आपको उनके बेटे के रोल मिलने लग गए। नहीं, अभिषेक का रोल नहीं, अभिषेक तो हमारा भतीजा है। अभिषेक का रोल नहीं, उसमें हमारा टाइटल रोल रहा। मतलब उमराव जान का कैरेक्टर? हाँ, ऐश्वर्या वाला रोल हमारा रहा। मतलब ऐश्वर्या का रोल आपको मिला? हाँ, आपको हमारी खूबसूरती के बारे में पता नहीं, हमारी खाली दाढ़ी बनवा दो 3-4 बार, अच्छे कपड़ा पहना दो, ऐश्वर्या फेल है। देखिए, शोले का रीमेक बन रहा है। अच्छा, शोले उधर ऑडिशन हो रहे हैं। कौन बना रहा रीमेक? हाँ, शोले का हाँ, आप उधर जाइए, ऑडिशन दीजिए, पीछे उधर बैक सीट रोल है। हाँ, रोल शोले में रोल खाली है। तो आप क्या करिए, ऑडिशन के लिए जाइए। हाँ, शायद आपका कुछ काम हो जाए। अच्छा, शायद। हाँ, हम जा रहे हैं शोले के रोल के चक्कर में, पीछे रामू बैठे हैं। तो हम जा, आप लोग आशीर्वाद दो, ये रोल ससुरा हमें मिल ही जाए। जी हाँ। और देखिए, कृपया करके अपने घर फोन मत करना इस बार, प्लीज। 2006 में या तो सिक्वल बने या रिमेक हुए डॉन 1, डॉन 2, धूम 1, धूम 2, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई लगे रहो, और उमराव जान, रेखा वाली, ऐश्वर्या वाली, और एक दो आप बताओ। कोई मिल गया, और क्रिश? हाँ, कोई मिल गया, क्रिश याद है, क्रिश में हमें क्यों नहीं लिया ऋतिक की जगह? क्यों? अरे क्रिश में अगर हमें लेते मनीषा, तो हम राकेश रोशन को 5-7 करोड़ रुपए अलग से हम कमा के देते। देखो कृष्ण क्या है, वो ऐसे ऐसे उड़ता रहा ना, ऐसे 20 बिल्डिंग फांद गया, 50 झाड़ फांद गया, 2-3 सिग्नल फांद गया एक साथ, ऐसे ऐसे चलता रहा। तो यहाँ पे सवारी बिठाते, खार बांद्रा, दादर उतार, नरीमन पॉइंट से चर्च गेट लिया, दादर उतार दिया, बोरीवली, ये सवारी, दस रुपए, राजीव, 10 रुपए। ब्रिलियंट आइडिया, मर्चेंडाइजिंग के समय उनको आपको बुलाना था। अरे धन्य की बात है, पैसा कमाने सोचना चाहिए। एक बात बताए, एक्सप्रेस खोलना चाहिए। एक बात बताए, ये डॉन जो पुरानी रन रही, अरे वो भी बढ़िया रही, नई वाली बहुत बढ़िया रही। नई वाली हमने देखा 5 बार, आपने 4 बार देखी? 4 बार देखा, एक बार कल देखो। Okay. पुरानी डान में क्या रहा कि एक जगह अमिताभ बच्चन कहते हैं, लंबे हैं, कमर में से हाथ रख के बोले कि डान को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। डान का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। 28 साल बाद पहले बोले, और 28 साल बाद जब फरहान बनाए तो शाहरुख भी बोले, अरे डॉन को पकड़ना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस को है। अरे 28 साल में डॉन की तरक्की नहीं हुई? 11 के 11 मुल्क, दुनिया कहां से कहां चली गई? पॉइंट टू बी नोटेड। आगे, और पुरानी वाली डॉन में हेलन भौजी बोली, डॉन पिस्तौल चलाना बेकार है, मैंने गोलियां पहले ही निकाल दी है। सोनिया तुमको पता है पिस्तौल खाली है, मुझे पता है पिस्तौल खाली, लेकिन पुलिस को नहीं पता पिस्तौल खाली है। अब पुलिस को बेवकूफ बना के निकल गए। 28 साल के बाद फरहान, इसमें भी शाहरुख बोले, सोनिया तुमको पता है पिस्तौल खाली है, मुझे पता है पिस्तौल खाली है, लेकिन पुलिस को नहीं पता पिस्तौल खाली। अब पुलिस को फिर बेवकूफ बना दिए। तो देखे वाली बात यह कि 28 साल में मुंबई पुलिस डॉन देखी नहीं पुरानी। You know, Raju, that's a very, नहीं, सही बता रहे, झूठ नहीं बोल रहे।
वेरी वैलिड पॉइंट, सही बता रहे हैं। और मालूम है डॉन जो 2-1 ही ना, नई वाली फरहान वाली, मतलब उनके पापा की लिखी हुई है, सेम टू सेम बनाया। तो इसमें एक जगह फरहान ने अपना दिमाग लगा दिया, खुद मतलब, का दिमाग मतलब, अरे डॉन को आखिरी में जिंदा कर दिया। हाँ, जिंदा कर दिया। अब पता क्या है जिंदा किया, किसी को बताना नहीं, ताकि डॉन पार्ट 3 बना सके। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे सीएम साहब बैठे हैं, प्रिय रंजन दास मुंशी जी बैठे हैं। इनफ। हाँ, इनसे सुनो तो। इनफ। अरे इन सभी अभी नमस्ते प्रणाम करके आए, थोड़ी चमचागिरी करके आए। इन सब ने कहा सर, लेट्स मूव ऑन टू समथिंग सीरियस नाउ। सुनो तो हमारी बात, तो हम भी तो आए हैं। हमने इनसे कहा सर कैसा चल रहा है, बोले सरकार चलाना आसान नहीं, बहुत टेंशन होता है, सब देखना पड़ता है। अब पता चला किसको देख रहे। Our next award is for the best actor in a negative role, and the live nominations for this category are Aamir Khan for Fana. Aamir Khan, thanda matlab Narmada ka pani. Isha Deol for Ankahi. Isha Deol, ladki ke kaise kare yaar? कुत्ते कमीने, कमीने में तेरा खून पी जाऊंगी नींबू काली मिर्च डाल के, लोग समझेंगे मैं काला खट्टा पी रही हूं। शाहरुख खान फॉर डॉन। जंगली बिल्लियां तो दिल्ली की भी पसंद थी, लेकिन आजकल बांद्रा की ज्यादा पसंद है। शाइनी आहूजा फॉर गैंगस्टर। शाइनी आहूजा, लड़की लड़का? लड़का, मेल मेल। सिमरन, सिमरन मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, सिमरन सिमरन मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा अवार्ड के बिना। सिमरन सिमरन तू मेरी हो, ऐसे कुछ किया होगा। सैफ अली खान फॉर ओमकारा। वाओ, तेरी माँ की। नॉट योर फैमिली ऑडियंस है ये, फैमिली ऑडियंस है, सब ओमकारा देख के बैठे हैं। हमारे लिए फैमिली ऑडियंस है। एक तो मैं कपड़ा सिला गया, कोई बात ही नहीं कर रहा है। बाद में जितनी गालियां दी, बुआ ने सिलाया है, बुआ ने। एंड द अवार्ड गोज टू, फूफा बोली नहीं पाते, फूफू फूफा हो जाता है। हेलो 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 हेलो। तो यही थे सलमान खान। मुझे याद है कि मैंने नए साल की कोई बात तो बताई नहीं आपको। हम लोग 2007 में प्रवेश कर चुके हैं, 2007 में है नए साल की। सबसे बड़ी बात यह, आपको याद होगा हर बार जब नया साल आता था तो अपने घर में कैलेंडर आते थे। आपने जनवरी का जैसे पेज खोला तो भगवान की तस्वीर होती थी, गणेश जी कुछ ऐसे बने रहते थे। फरवरी का खोला तो कृष्ण भगवान, मार्च शंकर भगवान, अप्रैल बजरंग बली। आजकल ऐसे कैलेंडर छपते ही नहीं, हम लोग सब भूलते जा रहे हैं। आजकल जो कैलेंडर आते हैं बड़े हॉट, हाई सोसाइटी में रहते हैं। जनवरी का पेज आपने खोला, ये जनवरी आपकी, इसी निकालना है पूरा महीना। फरवरी का पेज खोला तो एक मॉडल, मार्च का पेज खोला, जैसे मार्च का पेज खोला एक लड़की लोहे का खंबा पकड़ के, ऐसा लगता है खंबा छोड़ देगी तो महाराष्ट्र की बिजली गुल हो जाएगी, लगता है बिजली यहीं से पैदा हो रही है। जून का खोला, जुलाई अगस्त सितंबर वाली एक सांप लगा के ऐसे खड़ी। एक भैया ने तो 3 महीने पेज नहीं पलटा, हमने क्यों क्या पता सांप लौट जाए। सितंबर यहां, अक्टूबर का पेज ऐसा, नवंबर का ऐसा, दिसंबर हम नहीं बताएंगे फैमिली ऑडियंस। आपके ऑडिशन के बारे में क्या हुआ, मतलब अरे जमा का काम? हाँ हाँ, अब फिल्म के ऑडिशन के लिए गए। हाँ। रामू के पास अब बात बनी नहीं है, छोड़ दिया। क्यों, इस बार क्या हुआ? हमने कहा देना है तो गब्बर वाला रोल दो, गब्बर का रोल करेंगे। लेकिन वो रोल तो अमित जी कर रहे हैं। अमित जी कह रहे हैं, अमिताभ बच्चन। हाँ। गब्बर का रोल? हाँ जी।
अच्छा, हम ये सोच रहे हैं कि रामू के शोले में अमित जी गब्बर कैसे बनेंगे, वैसे कैसे लगे? पूरी इंडस्ट्री यही सोच रही है कि यू नो व्हाट्स द कैरेक्टर गोइंग टू बी लाइक, वी ऑल आर एक्साइटेड। हाँ, हमें लगता है वो गब्बर ऐसे बनेंगे। कैसे? गब्बर ऐसे बनेंगे। ये आप क्या कर रहे हैं राजू जी? ये टॉकी मूवीज है, साइलेंट फिल्म नहीं है, ये आप कर क्या रहे हैं? मैं वार्म अप हो रहा हूँ। मतलब आप किरदार में घुस रहे हैं? मैं किरदार में घुस रहा हूँ, मैं अमित जी को मैं अंदर ला रहा हूँ। ओके, इलाहाबाद मेरे अंदर आओ, जुहू दसवां रास्ता मेरे अंदर घुस जाओ, आगे। अच्छा, अब रामू के शोले में अमित जी गब्बर कुछ ऐसे बने होंगे। अरे भैया कालिया, आपने बताया नहीं कितने आदमी थे? ओ, वो दो और आप साहब तीन, फिर भी खाली लौटा आए। क्या सोच के आए थे कि मैं बहुत खुश हूंगा? यू रिटर्न जस्ट एम्प्टी हैंडेड। कमाल करते, अरे इतनी दूर गए थे, कम से कम साबुन तेल घी कपड़े लत्ते किसी का कॉन्ट्रैक्ट लेके आते, कुछ विज्ञापन वगैरह हो जाते हैं। कमाल करते हैं, आपके सोचने पे मुझे बहुत अफसोस होता है भैया। लेकिन सरदार, हमने आपका नमक खाया। ओह, तो मेन प्रॉब्लम सॉल्ट का है भाई, इसकी सजा तो आपको मिलेगी। क्योंकि मुझे गिरोह चलाना है, इसलिए पनिशमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। तो कितना गोली इसका अंदर? मैंने पूछा कितना गोली इसका अंदर? सरदार आपने भरा, आपको आइडिया होगा। क्योंकि आप हमारे पुराने आदमी हैं, इसलिए हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। सदर, कुछ लाइफलाइन वाला चक्कर है क्या इसमें? भाई आप चाहें तो फोनो फ्रेंड कर सकते हैं। आपका फ्रेंड जो है सांभा, वो वाह वाह पहाड़ी पे। अरे सांभा, ए सुनना, कितना गोली रहेगा तेरे आइडिया से? कितना गोली होगा? मेरे को इतना ऊपर से दिखता है क्या, कितना भर रहे कितना निकाल रहे? और तभी रामू की शोले में धर्म जी बोलेंगे, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। नहीं, मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी, ये मेरे साथ बाबुल में है, बागवा में है, मैं नाचूंगी। गब्बर सिंह जो मा चुमा दे दे, गब्बर सिंह चले चले फिर चले चले, गब्बर सिंह। तुम गाने क्यों गा रहे हो? अरे भैया आप ही बोल रहे हैं गब्बर सिंह। हाय भैया, हमारे पुराने दोस्त हैं तो इतना तो करना पड़ेगा। हाय, लड़की विदा होने वाली है। अब देखिए माहौल गमगीन है क्योंकि लड़की विदा होने वाली है। लड़की की माँ बरातियों को भी देख रही है और दामाद को समझा भी रही है। लड़की की माँ ही, ओ भैया सब ठीक है, कोई शिकायत तो नहीं? बस भैया हमसे जो बन पड़ा हमने किया, हमारा फर्ज था भाई, कोई शिकायत ना रहे, सब अपनी तरफ सब किया भैया। अब हम लोग तो कट गई है, तुम्हारा ही कटेगी। अरे पुत्तन, ए पुत्तन, ये समोसा बरातियों को दे दो भैया, ये रसम कढ़ाई किसने रख दिया? यही स्कूटर रखे। गुड्डू मुंह इधर कर लो, बनारस वाले चाचा रिक्शा से उतर रहे हैं, उनकी तरफ देखो तो किराया हमें को देना पड़ेगा। ओ भैया हमसे कोई जो भाई, अपनी बिटिया को सब घर की शिक्षा दिया है, संस्कार दिया है, संस्कृति दिया है कि मतलब ससुराल जाए तो मतलब कोई शिकायत ना हो भैया, बस यही है माँ बाप का आशीर्वाद है। आज तक अपनी बेटी को बाजार अकेले नहीं भेजा, जब भी गई चार छह लौंडों के साथ गई। अब भैया बैंड वाले से कह दो बारात चली जाए तब हम पैसा दे दें, कोई भागे नहीं जा रहे, लड़की घर है। और भैया हम कोई शिकायत तो नहीं? आज तक हमारी बिटिया किसी को नजर उठा के नहीं देखे, जिसको भी देखे भी टकटकी बांध के देखे।
अरे गुड्डू, ए गुड्डू, रास्ते से स्कूटर हटाओ, यही से सब आ रहे जा रहे, वहीं गिर रहे हैं सब बच्चे लोग, उठाओ ये से, कढ़ाई नहीं निकल पा रही, ये पंखा में रास्ते में रखे, उसको हटाए ससुरा हाथ में चिपक गया, इसको हटाओ। ओ भैया सब ठीक है, कोई शिकायत तो नहीं? भैया हमसे जो बन पड़ा हमने अपनी तरफ से किया, अपनी बिटिया को सब शिक्षा दिया है, खुद ही खाना पकाती है, खुद ही खा डालती है। भैया हमने हमारी बिटिया की 150-200 जगह दिखाई हुई, बहुत जगह फोटो आई, सब जगह मंदिर में दिखाई, भाई कोई पसंद ही नहीं किए, अब तुमसे हो गई, अच्छे से रखना, छोड़ना नहीं। इतने में लड़की के पापा उधर से निकले, तो ये अपने हस्बैंड से कहती, सुनो ए बिटिया जा रही है, दामाद से बतिया लो, वीडियो भी बन रहा है, और वीडियो वाला बीच में। अब लड़की के पापा को रोना आ रहा है, लेकिन रोना कंट्रोल किए हुए, उनको लगता है अगर मैं रो पड़ा तो मेरे साथ कई ज्वालामुखी फट जाएंगी, तो अपने आप को जब्त किए हुए। अरे हाँ बस कुर्सी हैंडल वालों ही, हाँ भैया कार रेडी, मंगा लीजिए, विदाई का मामला है, नाश्ता वगैरह भैया अपने हिसाब से करिए, देखिए पलंग वहां भिजवा दिया पलंग, बट उनको अरे साहब बस ये तो विधि का विधान होता है, लड़की पराय धन होती है साहब, एक दिन तो बिटिया को दे। आप लोग बैठ जाइए वहां पे, चाय वगैरह अपने हिसाब से कर लीजिए, बस बेटा बहुत प्यार से पाला है। दूल्हा बोला कि हम लोग हंटर मार मार के पाले हैं। बेटा इतनी सी थी जब पैदा हुई थी, इतनी सी थी, तो बोले हम लोग क्या इतने इतने थे? नहीं बेटा, बेटा गाय बिटिया नहीं दे रहा हूँ, बेटा बिटिया नहीं है, ये गाय है, गाय। दूल्हा डर गया, सही में तो नहीं गाय बांधी? दूल्हे ने अपने भाई से बोला, पप्पू जा पता करो गाय तो नहीं है। वो अंदर गया, चेक करके आया, नहीं नहीं भाभी है, भाभी पूरी पूरी भाभी है, भाभी ने हमें 100 रुपया भी दिया और 2 लड्डू। इतने में लड़की के भाई उधर से निकला, तो लड़की की माँ कहती है, विनोद ए विनोद बेटा बहन जा रही है, अब जा रही, पता नहीं कब आए, तो है बहन बेटिया, तुम लोग साथ साथ पढ़े, साथ साथ खेले, आज अलग हो रही है, जीजा जी से बात कर ले बेटा, तुम लिवावे जाओ तो तुम्हारे हाथ भेजे तो सही, वीडियो भी बन रहा है तो सही। बात कर ले बेटा, बहनों ही से बात कर ले, बिटिया जा रही है, सुधा जा रही है, देखो पता नहीं। माता जी धरो, ऐसा है आपने बात कर लिया, पिताजी ने बात कर लिया, हो गया घर खाली करो, अब मेरी शादी बारे में सोचो, समझे, इसके चक्कर मेरी नहीं हो पा रही थी, सब बोल रहे थे बहन की हो जाए तुम्हारी तो हो जाएगी, बहन की हो जाए तुम्हारी तो हो ही जाएगी, अब इसको कोई पसंद नहीं करता, हम जिम्मेदार उसके, बात करो अभी तो बड़ा अच्छा कर रहा लग रहा, बात कर लो बात कर, लब लबर करो के लौंडा है क्या, कोई बच्चा है उसको समझा दी, समझे, बात करो अभी तो बड़ा अच्छा लगा, अभी बारात जाने तुम्हें बताएं, टेंट वाला क्रॉकरी वाला इतना लंबा बिल बना के बैठा है, 36 चम्मच गायब है, 42 डोंगे नहीं मिल रहे, सब साले बारातियों में डाउट लग रहा है, सब खाली हाथ आए थे, सबके हाथ में एक थैला है, समझे, ये बारात है, मेरे मुंह खुला रही हूँ, अब तो फेरे पड़ गए, हम कुछ बोल नहीं पा रहे, भरे बैठे, ये बारात है, बीड़ी पीपी के पूरा तंबू जला दिए इन लोगों ने, उसका अलग से बिल बना के बैठे, और वहां जहां बारात ठहराई गई वो पूरी रात माणिक चंद गुआ गुटका और पान परा खा खा के साले उसकी पुड़िया फेंक फेंक नाली की जाली जाम करती, गटर अलग जाम हो गया, वहां पे गद्दे तैर रहे, उसका बिल अलग साले भरना भरना पड़ेगा, हम साले 6 महीने से नौकर है क्या, उसको वो ला के दो, उनको ला के दो, उनका रिजर्वेशन करा, वहां पे चले जाओ, सुविधा से नाश्ता लेट पहुंचा तो पड़ोसियों के घंटी बजा, कहते हम लोग बराती में नाश्ता, तो साले बेइज्जती करने आए हमारी, जीती एक तो ओवर एज हो जा रहे साले, हमारी शादी नहीं हुई बहन के चक्कर में, हमारे साथ जितने लड़के पढ़ते थे कॉलेज में सबके 4-4 बच्चे हो गए,
हमारे साथ जितने लड़के पढ़ते थे सबके चार चार बच्चे हो गए, जिस घर में जाते हैं एक बच्चा मेरी गोद में डाल देते, मामा आ गए, पूरे मामा का ठेका हमने लिया हिंदुस्तान। भरे भरे बैठे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे, बरात आई उनको निपटा दो, कुछ कुछ कह नहीं रहे हम, समझे। ये तो कपूर साहब हमारे पड़ोसी, इतने अच्छे आदमी, कह ले तो है बहन की शादी का मामला है, हमारा फ्लैट खाली, बरातियों को ठहरा दो। एक तो हमारी मदद की, अभी सुबह जब नाश्ता पहुंचाने गए तो मैंने देखा जो दहेज का सामान मिला था उसको बस में चढ़ा रहे, तो मैंने कहा ठीक है गिफ्ट मिली चढ़ा रहे, ध्यान से देखा तो कपूर साहब का फर्नीचर चढ़ा दिया। जब हमने पकड़ लिया तो कहने लगे नहीं नहीं खाली एक सोफा ले रहे पत्ते खेलने के लिए। पूरी रात बरातियों ने पूरी रात को फ्लैट में पत्ते खेले हैं, चार बार पुलिस आई, नौ बराती कम है, इसाले अनपढ़ है, बराती अनपढ़ है, दस बार इनको टेलीग्राम किया, चिट्ठी भेजा, ट्रंकाल किया कि दादर उतरना दादर उतरना दादर उतरना, हम रिसीव करने के दादर खड़े, साले वीटी चले गए, वीटी लेने चले गए, दादर चले, साले हमें चिढ़ाने के लिए आए। अभी बड़ा अच्छा लग रहा है बात करके, वीडियो वाला तुम वीडियो 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 कैमरा लेके चलो, फोड़ डालेंगे तुम्हारा कैमरा, क्या साला झगड़ा हो रहा, मारपीट, अम्मा गुस्सा रही हमारे ऊपर, ये साला शूटिंग कर रहा है, पूरी जिंदगी हमारे बच्चे देखेंगे, विदाई के समय कितनी डांट पड़ी थी, झापड़ मटे, चल बात कर बहनों से, जबान बड़ी चलती कैची करे, बात कर बहनों से, लेवल लेवल कर, अम्मा बात सुनो, अब तुमसे तो बात कर लेंगे, बात सुनो हमारी, ऐसा है वो बारातियों में दो तीन नहीं आगे नाच रही थी नीली वाली, मेरे लिए सही उसी बात चलाओ। चल चल जबान मत लड़, बहुत अम्मा मारा मत करो, बड़े हो गए बहुत हाथ उठाती रहती हो, अब इतने बड़े हो गए जब देखो तो थपड़िया देती हो सबके सामने, हमारे दोस्त लोग खड़े उनके सामने बेइज्जती करा रही हो, बात करें जीजा से, ओ जीजा इधर देखो ऊपर का देखो बाल। जीजा अड़का दिया, ऊपर कहाँ देख रहे यार, देख साला खड़ा है, देख मुझसे बात कर, ऊपर देख रहे हो बालकनी, एक देख दिया दूसरी ढूंढ रहे हो। ए मामा की लड़की निशा चल अंदर, ऊपर बड़ा फेंक फेंक रही, फूल फेंक, जीजा जी जीजा जी, ऐसे कर रही। जूता जूता चुराई के मैं कितना इसे छुआ है बहाने बहाने से, बात के ऊपर फेंक जी जी जी, लपक के ऊपर आ जाएगा, ये बड़ी भरी बैठी, ये भरा बैठा अभी तक मालूम है, अभी इसकी सुहागरात नहीं हुई, बदतमीजी कर रहे। तो जीजा मेरी बहन है, मेरी बहन है, एक ही बहन है मेरी, समझे, विनोद भाई की बहन, विनोद भाई की इकलौती बहन, आज तक किसी की हिम्मत नहीं पूरी मोहल्ले में मेरी बहन की तरफ नजर उठा के देखे, जिसने देखा आंख निकाल के पार्सल किया मैंने, समझे, एड़ा आदमी, अगर पता चला तुमने, समझे, मेरी बहन है, अगर पता चला तुमने मेरी बहन को जरा भी टच किया है मैं फोड़ डालूंगा, एड़ा आदमी, मम्मी इसका एड्रेस है कि नहीं अम्मा, अब जे अभी प्यार मुहब्बत रहना, घर की बात घर के अंदर रहना, हाँ बात बात नहीं कर, फोन घुमा के कहना नहीं तुम्हारी बहन ने ये पका दिया है, जला दिया, ये कर दिया, कपड़े नहीं धोए, ये काम नहीं किया, अभी अंडरस्टैंडिंग रखना, घर की बात घर के अंदर रखना, और बात बात नहीं कर, फोन नहीं घुमाना, समझे, अभी दे दिया बहन, अब तुम्हारा घर घर बसाने का, प्यार मुहब्बत रहने का, अंडरस्टैंडिंग के साथ रहने का, मेरी बहन है, अभी दो महीने पहले मेरी बहन को दो लड़के फॉलो करते थे गर्ल्स कॉलेज से, सालों के कीमा निकाल के पाए निकाल कीमा बना खा गया हूं मैं, ऐसा है आदमी मेरी बहन है, सुन रहा कि नहीं बहरे, इधर देखे मेरी बहन है बहरे, सुन रहा है कि नहीं, अरे भैया समझ गए, जैसे तुम इसके भाई वैसे हम इसके भाई।